जी देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव पर। देखते हैं आज की कुछ खास खबर। प्रेमिका के सामने प्रेमी की हत्या। कलमना थाना अंतर्गत एक भाई अपनी बहन के प्रेम संबंधों से इतना नाराज हुआ कि उसने प्रेमी को प्रेमिका के सामने ही चाकू से गोद कर मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी का नाम मिनी माता नगर निवासी राजा पुंडलिक भारती बताया गया है, जबकि मृतक भीमगांव वाठोड़ा निवासी रोशन शंकर चौरसिया है। जानकारी के अनुसार आरोपी के बहन के प्रेम संबंध मृतक के साथ थे, जिससे नाराज होकर आरोपी ने अपनी बहन के सामने ही अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर इस हत्या को अंजाम दिया। आरोपी ने बहन के प्रेमी पर पहले तो चाकू से कई वार किए, फिर पत्थर से कुचलकर हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी राजा को गिरफ्तार किया है, साथ ही अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। दुष्कर्मी को 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा, नाबालिग को बनाया था शिकार। गणेशपेट थाना अंतर्गत दर्ज नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को जिला व सत्र न्यायालय द्वारा दोषी करार देते हुए 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है। दोषी का नाम भोला सिंह दिलीप उदय है। जानकारी के अनुसार भोला पर आरोप था, उसने साथ में काम करने वाली 16 वर्षीय एक नाबालिग बालिका से 1 फरवरी 2017 से 28 मार्च 2017 तक लगातार दुष्कर्म किया। पीड़िता की शिकायत पर भोला के खिलाफ अपहरण समेत पोक्सो एक्ट के तहत दुष्कर्म का मामला दर्ज किया गया था। मामले में पुलिस ने 11 नवंबर 2017 को आरोपी को गिरफ्तार किया था। खिलाफ में गवाही दी तो कर दी हत्या। बल्लारपुर तहसील के विसापुर वार्ड क्रमांक 6 चुना भट्टी में गुरुवार की शाम एक आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति ने उसके खिलाफ कोर्ट में गवाही देने गए व्यक्ति पर कुल्हाड़ी से हमला कर हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक चुना भट्टी निवासी कुलदीप यादव के खिलाफ अनेक मामले दर्ज है। सरकारी कर्मचारी पर हमला करने व तकलीफ पहुंचाने के एक मामले में 30 जनवरी को बल्लारपुर कोर्ट में सुनवाई थी। इस मामले के सिलसिले में मृतक ने कोर्ट में गवाही दी थी। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर एमएनएस हिंदी लिखे और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक ट्विटर हाइक और इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसी यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिलहाल वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहें एमएनएस न्यूज लाइव के साथ। नमस्कार।